आज एक बार फिर से बॉम्बे डाइंग का जो केस है उसके लिए फिर तीसरा वीडियो अपलोड कर रहे हैं। और आप देख लीजिए यहाँ पर, कंपनी प्लान्स टू मूव सैट अगेंस्ट सेबी रूलिंग। जो सेबी ने बैन लगाया और 16 करोड़ के आसपास इन पर पेनाल्टी दिया है, तो कंपनी ने सैट में जाने की बात कही है। सैट यानी सिक्योरिटीज अपीलेंट ट्रिब्यूनल। ट्राइब्यूनल का मतलब है कि ये अपील करेंगे, ये कोर्ट के जैसा है, और यह अपील करेंगे और उस अपील पर क्या सुनवाई होगी वह बाद में देखा जाएगा। लेकिन आज का जो मार्केट न्यूज है यह है बॉम्बे डाइंग मार्केट बैंक कैश। आज का जो न्यूज है वह दो तीन समाचार पत्रों में आया, बॉम्बे डाइंग मार्केट बैंक केस, कंपनी प्लान्स टू मूव सैट अगेंस्ट सेबी रूलिंग, राइट। यह वास्तव में स्टेटमेंट सैटरडे को है, लेकिन ये दो दिन के बाद न्यूज आ रहा है। और आप देखिए, जो कि पहले हम बात कर चुके हैं, जो यहाँ नूसली एन वाडिया, इनके जो प्रोमोटर्स वगैरह हैं, इन पर पेनाल्टी लगाया गया कंपनी के अलावे। और एक बात बताते चलें आपको कि यहाँ बॉम्बे डाइंग का कारोबार जो है वह रियल्टी एस्टेट में भी है। तो रियल एस्टेट में जो है ये कारोबार करते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर जो हम लोग अभी देखेंगे, साथ में जो अभी नया इस वीडियो को देख रहे हैं उनको बताते चलें कि बॉम्बे डाइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड पर 2 ईयर्स का बैन लगाया गया सेबी की तरफ से, क्योंकि इन्होंने फाइनेंशियल रिपोर्ट को रॉन्ग तरीके से रखा था सेबी के सामने में और लोगों के सामने में, और फंड रेज किया था। सो ये मूव कर रहे हैं या करने की कोशिश कर रहे हैं SAT फॉर रिलीफ। इनको भरोसा है कि SAT यानी सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल इनकी मदद करेगा और कुछ इनके पक्ष में सुनवाई दे सकता है, यानी डिसीजन दे सकता है। इट वुड गेट जस्टिस एंड स्टैंड विंडिकेटेड। सो द कंपनी एंड ऑल अदर नोटिसेज आर इन द प्रोसेस ऑफ सीकिंग लीगल एडवाइस टू देयर रिस्पेक्टिव फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन इन रिलेशन टू WTM ऑर्डर एंड शैल एक्ट इन अकॉर्डेंस विद सच एडवाइस, स्टेटेड द कंपनी इन ए स्टॉक एक्सचेंज अनाउंसमेंट। तो इस न्यूज के बाद आप देखे होंगे 25th का जो हम वीडियो अपलोड किए उसमें सीधा 96 से ये लेकर के 82 तक का गोता लगाया, यानी कि डाउनवर्ड गया। लगभग 12% का लॉस एक दिन में ये दिखा रहा था। हालांकि आज का जब हम देख रहे हैं तो बॉम्बे डाइंग लगभग 87 के आसपास में एक बार फिर से गया है। और आपको बताएं कि जैसे जैसे ऊपर जाता है आप प्रॉफिट अपना लेते जाइए, या नहीं तो आप निकलते जाइए। अगर प्रॉफिट आपका हाई रेंज में ये बाई किया हुआ है तो उस पोजीशन तक अगर जाए तो ठीक है, लेकिन हम आपको एडवाइस देंगे कि जो साल का लो है 81 रुपीज, आप ध्यान दीजिएगा, साल का जो लो है 81 रुपीज के लगभग, यहाँ पर आपको हम दिखाते हैं, पहले आपको हम दिखा रहे हैं, आप देख लीजिए बॉम्बे डाइंग का जो 1 ईयर का, आप देखिए यहाँ जो विक है 52 विक हाई है वो 140.45 है, जबकि 52 वीक लो 81.25 है, यानी 81 रुपये 25 पैसे इसका लो है जो 1 साल का लो लगा हुआ है। तो आप 81 रुपये 25 पैसे का स्टॉप लॉस लगा करके आप बन सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे ऊपर मिले आप उसको निकालते जाइए। और आप देख भी रहे होंगे यहाँ पर जो चार्ट है इसका, ये कितनी स्थिति खराब है इनकी वह आप देखिए, आपको पता चलेगा। दूसरी चीज़ है कि आप यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए, जो ये गैप है देखिए आप यहाँ पर जो हम आपको बता रहे हैं, ये 21 तारीख का 96.51 ये इसका रेंज है 21 तारीख का। इसके बाद ये उसी दिन लो लगाता है
और इसके बाद 25th का जो आप मुहूर्त ट्रेडिंग देख रहे थे, उस समय तो 82 पॉइंट्स कुछ रुपये पर चल रहा था, और आज खुलने के साथ ये देखिए एक ग्रीन कैंडल, फिर रेड कैंडल, मुनाफा वसूली, फिर इस रेंज में ये जा रहा है, और 86 पॉइंट इसका क्लोजिंग है आज का, 86.75 समथिंग ये क्लोजिंग है हम जैसा देख रहे हैं यहाँ पर। देखिए ये लगभग आज का जो क्लोजिंग हुआ है वह हाई लगाया है 87.75 का, ये देखिए यहाँ ये 87.75 का हाई है, और ओपन हुआ है 84 पर, लो लगाया 82.50 पर, यानी जो साल का लो था उससे 1 रुपया ये अधिक अपना लो रखे हुए हैं। तो हम वही बता रहे थे आपको कि 81 रुपये आप स्टॉप लॉस लगा करके आप इसको ट्रेल करते जाएं, और जैसे जैसे निकल सकते हैं निकलते जाएं। और जी बिजनेस में भी आज न्यूज आया है 2-3 दिन बाद, जी बिजनेस भारत में अधिकांश लोग देखते हैं, लेकिन जी बिजनेस का न्यूज आज आने के कारण बहुत सारे लोग इस पर ट्रेडिंग करते चले गए, और उनको 21 तारीख के बाद से इसमें लॉस होते चला गया। तो ये न्यूज है जो ये तीसरा दिन हम आपको दे रहे हैं जानकारी कि आप इससे जितना भी आप ले सकते हैं, हालांकि अगर ऊपर दाम पर, फिर से हम बता रहे हैं ऊपरी दाम पर आप खरीदे हैं तो इसमें लॉस हो जाएगा, लेकिन कुछ लॉस लेके निकल जाना बेहतर हो सकता है। देखिए यहाँ पर हम आपको फिर से बता दें, ये टोटल फाइन का जो अमाउंट है 15.75 करोड़, सेबी हैज लेवीड ए फाइन ऑफ ₹2.25 करोड़ ऑन बॉम्बे डाइंग, ₹4 करोड़ ऑन नुस्ली वाडिया, ₹5 करोड़ ऑन जहांगीर वाडिया, ₹2 करोड़ ऑन नेस वाडिया, ₹50 लाख ऑन मेहता, ₹1 करोड़ ऑन स्काल एंड ₹25 लाख इच ऑन द देन डायरेक्टर्स ऑफ द स्काल। ये वास्तव में ये बहुत गंभीर न्यूज है, आप मान के चलिए, ये बॉम्बे डाइंग के लिए। तो हम इसलिए आपको बताएं कि आप इससे निकल जाएं। जांच में पता चला, यहाँ पर देखिए, जांच में पता चला कि ये कंपनियाँ BDMCL की ओर से स्काल को 2011-12 और 2017-18 के बीच फ्लैटों की कथित बिक्री से मिले 2,492.94 करोड़ रुपये और 1,302.20 करोड़ के मुनाफे को बढ़ा चढ़ा कर दिखाने, और BDMCL यानी बॉम्बे डाइंग मैन्युफैक्चर एंड कंपनी जो लिमिटेड है, वित्तीय जानकारी को गलत तरीके से पेश करने की धोखाधड़ी की योजना में शामिल थी। ये दो बार की घटना है, 2011-12 और 2017-18, ठीक है। ये नियामक ने क्या कहा, जो सेबी ने कहा है उसको देखिए आप। सेबी ने कहा कि स्काल का शेयर होल्डर स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनाया गया था कि सीधे तौर पर केवल बॉम्बे डाइंग इसमें 19% हिस्सेदारी रख रही थी, यानी 19% इसके हिस्सेदारी थी, लेकिन स्काल के दूसरे शेयर होल्डर्स में अप्रत्यक्ष हिस्सेदारी के जरिए स्काल की पूरी शेयर पूंजी पर उसका पूरा कब्जा था। यानी बॉम्बे डाइंग का माना जाए तो जो स्काल का शेयर होल्डर स्ट्रक्चर जो आपको सामने में दिख रहा है, केवल 19% हिस्सेदारी दिखाया गया, तो स्वाभाविक है आप जो प्रॉफिट दिखा रहे हैं या गलत तरीके से आय दिखा रहे हैं वो इसमें 81% का हेर फेर था, ठीक है। स्कॉल के दूसरे शेयर होल्डर्स ने अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट रूप से वो पूंजी पर पूरा कब्जा था बॉम्बे डाइंग का। अब देखिए इसका हम प्रॉफिट लॉस की तरफ आपको लेके चलते हैं। यहाँ पर देखिएगा आप जो प्रॉफिट लॉस का स्थिति है वह देख लीजिए। प्रॉफिट बिफोर टैक्स यह है 2022 जो हम आपको दिखा रहे हैं, और ये -485 में है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट -429, देखते जाइए आप। 10 ईयर्स का रिटर्न -1%, 5 ईयर्स का 1% कुछ पॉजिटिव आया, 3 ईयर्स का रिटर्न -23%। तो कोई मतलब नहीं रखता है कि आप इसमें पैसा लगा के बने रहिए, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पर सी ए जी आर भी जो आप इसको समझ पाएंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर से वीडियो बनाएंगे इसका सी ए जी आर क्या है। 5 ईयर्स माइनस, सभी लगभग माइनस में हैं, 3 ईयर्स में केवल 4% पॉजिटिव दिख रहा है। रिटर्न और इक्विटी जो दिख रहा है आपको स्क्रीनर पर, ये कुछ नहीं है, ये कुछ भरे ही नहीं, क्योंकि इनका इतना बैलेंस शीट खराब है। प्रॉफिट भी होता है तो वो समूचा इनका माइनर रहता है। आपको फिर दिखाते हैं सेट ने क्या, अब सेट क्या डिसीजन लेगा इसके ऊपर। पहले ही मूव करेंगे सेट की ओर, उसके बाद क्या डिसीजन आता है उस सेट के द्वारा, तब कुछ हो सकता है कि इनके लिए राहत का खबर हो जाए। लेकिन अभी तत्काल, अभी सेट के पास जाएंगे, लीगल एडवाइस लेंगे किसी से, अब देगा, उसके बाद फिर आगे की कहानी अभी दूर की कहानी है। आज का वीडियो बस यही। थैंक यू।